चाहती हूँ। गोविंदा जी आपके सामने खड़े हैं, 61 इयर्स ओल्ड यंग मैन, आणि आपल्या सगळ्यांच्या वतीनं एक जोरदार टाळ्यांमध्ये त्यांची 61 आपण साजरी करूया। हॅपी बर्थडे टू यू, हॅपी बर्थडे टू यू, हॅपी बर्थडे 61 यंग, हॅपी बर्थडे टू यू। तमाम इचलकरंजी हातकणंगले लोकसभा मतदारसंघातील सर्वच महिला शक्तीकडून आपल्याला 61 इयर्स ओल्ड 61 वर्षाचे आपण झालात याबद्दल खूप खूप शुभेच्छा आणि दीर्घायुष्यासाठी खूप खूप शुभेच्छा। मी सगळ्या फॅन्सना विनंती करते की थोडंसं स्टेज मोकळं करा। क्या हाल चाल है? बढ़िया है ना? ओम विश्वानि देव सवित दुरितानि परासव यद् भद्रं तन्नासुव ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमय बंधनान् मृत्युर्मोक्ष्य मामृतात्। कालहर दुःखहर दारिद्रहर कष्टहर रोगहर हर हर महादेव। जैसा मैंने सोचा था वैसे ही मिले आप सब। आज आदरणीय प्रकाश अवाड़े साहब, उनकी धर्मपत्नी आदरणीय मिसेस अवाड़े, आदरणीय राहुल जी, उनकी धर्मपत्नी आदरणीय मौसमी जी, आदरणीय शीतल मात्रे जी, आदरणीय वेदांतिका जी, आप लोग का मैं धन्यवाद देता हूं कि जिंदगी में कहीं कुछ लिखा हुआ होता है तो ईश्वर प्रमाण देता है कि कहां की चीज कैसे और कहां निकलती है। तो मेरा अपना ही लिखा हुआ है कि दोस्तों की दुआएं साथ चलती है तो कहां की चीज कहां से निकलती है। कभी सोचा नहीं था कि मैं इस तरह इस मंच पे आऊंगा। मैं धन्यवाद देता हूं आप सब लोगों का। मंच पे उपस्थित जो जो पक्ष से आए नेतागण हैं, समक्ष बैठे माताएं बहने बच्चियां, बहन नहीं है ए बाजू लो रे तारा बघू मेरा माझी मराठी थोडीशी वेगळी आहे, चालणार ना? मराठीमध्ये आता सुरुवातीला भाषण देत नाही, हिंदीवरून सुरू करून नंतर मग मराठीमध्ये भाषण देतो मी तुम्हाला सगळ्यांना। मैंने सोचा कि कैसे आज हम लोग यहां पर आ गए। एक साथ 15,000 महिला होंगी। अब महिला शब्द सुनते ही महिला, मैंने सोचा एक साथ कैसे हो सकता है, ऐसा नहीं होगा। तो देखिए कैसी माता की कृपा है। माता माता ही वो सर्वत्र मात्र देवो भव, जहां जहां वो माई नजर आती है। तो कैसे माई कृपा हो गई, एक सभा हो रही है परंतु एक की तीन सभा हो गई। एक वहां है, एक यहां है, एक यहां है। जो मैंने सोचा था वैसे ही हुआ। ये कृपा है, ये पक्ष जो है
वैतारणी, ये कृपा है आप लोग पे, मैं ये सच कह रहा हूं। हम लोग के देश में बहुत जरूरी है कि जो जानता राजा है, जो समझता है कि देश काल परिस्थिति कहां से कहां निकल रही है, आप सब उस लोगों से जुड़ी है। उसमें आदरणीय शिंदे साहब है, उसमें परम आदरणीय मोदी जी हैं, और अब उसी में शामिल है आदरणीय धैर्यशील माने। आप आदरणीय धैर्य जी का साथ दीजिए, उस साथ की वजह से कई लोग साथ में ऐसे जुड़ जाएंगे कि ये जो समा हम लोग आज देख रहे हैं, हो सकता है भविष्य में ऐसा समा देखने मिले कि ये सभागृह जो है, जो अब एक के तीन हुए हैं, वो इतने सभागृह हो जाएं कि कहां बैठाएं, क्या करें, कैसी व्यवस्था बनाएं, ऐसा सोचना पड़े। ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, आप सब लोगों से शुभेच्छा प्रदान करता हूं। मुझे ऐसा लगता है, इतनी सारी लेडीज जो है वो कह रहे थे कि सब लखपति हो गए, मैं एक पति हो गए, अभी भी बीवी खुश नहीं कर पाता हूं। एक दिन में चार गाली तो खाता ही हूं, और जिस दिन मेरी बहुत तारीफ हो जाती है तो और बढ़ जाती है। परंतु जो माँ बाप की सेवा किए होते हैं उसे किसी की प्लानिंग की आवश्यकता नहीं होती है। मैं 14 साल फिल्म लाइन में रहा हूं एज अ सुपरस्टार, 14 वर्ष में सुपरस्टार रहा, और बिना किसी प्लानिंग के। ये पढ़े लिखे लोग जो है ये सोचा करते थे कि ये कहां से आ गया हीरो, ऐसा कैसा हीरो। मेरी माता जी परम आदरणीय निर्मला देवी जी, वो मुझे सिर्फ यही कहा करती थी, गोविंद मैं कभी ये नहीं कहूंगी कि तुम क्या पिक्चर करो और कैसी पिक्चर करो, सिर्फ ईश्वर ने तुम्हें गोविंद नाम दिया है, मुस्कुराया करो, डांस करो, गाने गाया करो। तो गोविंदा की पिक्चर कभी गोविंदा के वजह से नहीं चलती थी, डांस और गाने के वजह से चल जाती थी। आज आप मुझे कह रहे थे जिस वक्त में आया तो लोग अपेक्षा करते हैं, अब कितने अच्छे भी खासदार हो गया, मैं खासदार हो गया तो थोड़ा सा नाचन दाखो ना रे प्लीज। अरे बाबा मैं खासदार हूं यहाँ का, ऐसे डांस नहीं चलेगा यहाँ पे, हाँ समझाई करिए। परंतु कैसी कृपा है कि आज ऐसी महिलाओं के साथ में इस जगह में, इस जगह का जो नाम है उस जगह में, हमें इसे कहते देखिए जानता राजा, इस ऐसी जगह में मुझे आदरणीय शिंदे साहब के साथ, आपकी वजह से, आदरणीय मोदी जी की वजह से, फडणवीस जी की वजह से, अजीत दादा जी की वजह से, राज ठाकरे जी की वजह से, जो जो लोग जुड़े हुए हैं आप लोग सब लोग की वजह से, नितिन गडकरी साहब की वजह से, ये सभी लोगों की वजह से आज मैं 29 तारीख में आप लोग के साथ मिला हूं। आज तो डांस करके ही यहां से निकलूंगा। गोविंदा का मतलब क्या है महाराष्ट्र में, क्या अपन मराठी राहता म्हणतो ना मी, अपन फुगडी खेळलीच पाहिजे। तो मेरा ऐसा सोचना है कि ये यहां पे खेलेंगे फुगड़ी तो फिर वो यहां पे हो जाएगी, एक पूरी फुगड़ी जो है वो देश में चल रही है, उसे जो लोग समझते हैं, जो ख्याल करते हैं, आपका घर परिवार की तरह, जहां पे जो विचार निकलता है उसे इतनी स्पीड के साथ इस स्टेट में पेश कर दिया जाता है जो इससे पहले कभी नहीं हुआ। ये 2 वर्षों में महाराष्ट्र ने जो तरक्की की है वो इससे पहले कभी नहीं हुई है, ये 9-10 वर्षों में जो देश तरक्की कर चुका है वो इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ है। मेरा ऐसा सोचना है कि ये महाराष्ट्र की जो हम लोगों की भी ये जो युति ये चली है, ये 14 वर्ष ऐसे ही चलती रहे
ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, और 14 वर्ष भी इसलिए कह रहा हूं कि बाकी लोग हैं उन लोग को भी सपोर्ट मिलना चाहिए, सहयोग मिलना चाहिए, हर किसी को जगह मिलनी चाहिए जो लोग मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं। आप लोग सब आदरणीय धैर्यशील जी का साथ दीजिए, उनकी मिसेज यहां पे आई है, मैं शुभेच्छा प्रदान करता हूं, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप लोग कामयाब हो। और जैसे कि आप कह रहे थे कि भविष्य में इतने सारे बिजनेस और ऐसे व्यवसाय यहां पे आ जाएंगे कि आज ये जो जगह है वो इतने में ही दिखाई दे रही है, वो इतनी विशाल हो जाए कि पूरे विश्व के मंच के ऊपर इस सभा का चर्चा कभी ना कभी तो होगी, ऐसी मैं भाई से प्रार्थना करता हूं। क्योंकि जिनके विचार अच्छे हैं वही आगे निकलते हैं, एक सांस की फूंक से 7 सुर निकलते हैं, एक पांव की ताल पे कई घुंघरू नचते हैं, एक दिए के जलने से कई दिए जल जाते हैं, एक दिए से न जाने कई दिए जल जाते हैं, और एक प्यार की गोद में न जाने कई प्यार पल जाते हैं। ये गोद जो है वो मां की गोद हुआ करती है, जिस एक गोद में न जाने कई प्यार पल जाते हैं। उसीलिए मैं कहा करता हूं माता माता ही वो सर्वत्र सर्व माता है सर्वत्र, वो ऐसे ही नहीं कहता, क्योंकि मुझे जो मिला मां बाप की कृपा और आशीर्वाद से ही मिला। आदरणीय मोदी जी, आदरणीय शिंदे साहब और आदरणीय धैर्यशील माने, आप लोगों के लिए और आप लोगों के लिए खास तौर पे ये कहूंगा कि विश्वानि देव सवित दुरिता ने परासव यद भद्रम तन्ना सव, अर्थात अलग अलग व्यवस्था के वास्तु दोष, शब्द दोष, क्रिया दोष, किसी प्रकार का दोष ना आए और आप लोग विजय प्राप्त करें, ऐसे मैं माई चरण में प्रार्थना करता हूं। आता आपण आपल्या कामाला लागायचं, तुम्हाला वोट तर द्यावंच लागणार आहे आणि ते पण धनुष्यबाणावर द्यावं लागणार आहे। ते देत असताना हेच लक्षात ठेवायचं आहे की हे सहकार्य करून तुम्ही सभी स्वतःलाच करतायच सहकार्य, कारण गंगेला जुडलेले सगळे जे आहेत, जे नदी असो नाळे असो काही असो, परंतु ती एकदा गंगेला जुडली तर ती गंगा सागरलाच पोचते, आणि जिथे पंचगंगा आहे अशा स्थानावर येऊन मी स्वतःला धन्य मानतो, आपण सगळ्यांचे धन्यवाद देतो। काय चुकून काय शब्द इथे तिथे पडले असतील त्यासाठी क्षमा प्रार्थना। और मुझे स्पीच की आजकल आदत नहीं रही है, तो जैसे कि आदरणीय प्रकाश जी कह रहे थे थोड़ा सा डांस गाना हो जाएगा, डायलॉग यहाँ पे तो 29 तारीख है, पक्का डायलॉग कहूंगा। पहला जो मेरा फेवरेट डायलॉग है वही कहता हूं कि इतनी खुशी इतनी खुशी मुझे आज तक कभी नहीं हुई। और जो लोग हुल पट्टी करते हैं उनके लिए नाम नहीं लूंगा किसी का, अड़ा सावन की घड़ा कहा हो जा बत्ती उजा के सो जा क्या, निंट गए पिंटू गए मंडे में खड़े लिए अंटी बजा ले बार बार घंटे खुला को मांगे पश्चिम को पर इटले बहुत हो गया पटले पटले चढ़ा बन गया। और डायलॉग दो कह दिए तो चलिए गाना भी गा देते। गाना गाए क्या नहीं गाए, हाँ एक काम करेंगे अभी गाना नहीं गाएंगे, जब आपका विजय हो जाएगा उस वक्त आपकी विजय यात्रा में मैं पूरा इधर पे आऊंगा, डांस भी होगा और गाना भी होगा तो अच्छा लगेगा। क्या क्या एक स्टेप करके निकलूंगा, हाँ हाँ 5 सेकंड सही 15 सेकंड सही पक्का डांस करते हैं। लगाइए जो फेवरेट गाना लगा दीजिए, क्या गाना फेवरेट है ये